कोरोना संकट के चलते सारा विश्व लॉकडाउन की स्थिति से निकल रहा है। ऐसे दुख के समय में सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, चिकित्सा और सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर समाज को सुरक्षा प्रदान करने लगे हुए हैं। लेकिन कुछ व्यापारी संकट काल में भी चांदी कूटना चाहते हैं और बाजार में मनमाने दाम वसूल रहे हैं, जिस पर सोलन के खाद्य आपूर्ति विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बाजारों के औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं और जो भी व्यापारी अधिक कीमत वसूलता पाया जा रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कई व्यापारियों को विभाग द्वारा सख्त चेतावनी भी दी गई है और उन्हें रेट लिस्ट लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते अब व्यापारी भी समझ गए हैं कि वे मनमानी नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि विभाग की सख्ती की वजह से कीमतों में भी काफी नियंत्रण अब देखने को मिल रहा है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल्य ने बताया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक वसूल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक विभाग द्वारा 605 निरीक्षण किए गए हैं, जिनमें 119 व्यापारियों से अधिक मूल्य वसूलने के चलते चालान किया गया और विभाग द्वारा 35 क्विंटल सब्जी, 2.5 क्विंटल फल और 4.5 क्विंटल खाद्य पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। साथ ही 36,700 रुपए के चालान भी अभी तक किए जा चुके हैं। जब से लॉकडाउन लगा है हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। मेरे जो विभाग के निरीक्षक हैं और हमने मिलकर इस वक्त तक 605 निरीक्षण किए हैं, जिसमें से 119 जो व्यापारी हैं वो नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं और ओवर चार्जिंग उनकी दुकानों में पाई गई है। तो उनकी दुकानों से हमने 35 क्विंटल के करीब सब्जियां, 2.5 क्विंटल के करीब फ्रूट्स और 4.5 क्विंटल के करीब अब दूसरे खाद्यान्न जो है वो जब्त किए हैं। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ केसेस में फैसला हो चुका है और कुछ केसेस में अभी फैसला आने वाला है। अभी तक हम 36,735 रुपए जो है वो सरकारी खजाने में जमा करवा चुके हैं। बाकी मैटरों के लिए अभी कार्रवाई जारी है और जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी उनका भी जो पैसा आएगा वो भी सरकारी खाते में जमा करवा दिया जाएगा। मैं यहाँ सभी व्यापारी वर्ग से एक बार फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि वो प्रतिदिन अपनी उचित मूल्य की दुकानों में रेट लिस्ट लगाएं और जो मार्जिन विभाग ने फिक्स किया है उसी के अनुसार कार्य करें, ताकि इस विकट परिस्थिति में, इस कोरोना काल में उपभोक्ताओं को सही दामों पर और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल सकें। क्योंकि इस वक्त सबको पता है कि लोगों के पास पैसा नहीं रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि जायज रेट्स पर उनको सभी खाद्यान्न मिले। सर, आम जनता से आपकी क्या अपील रहेगी इसी लॉकडाउन के चलते? मेरी तो यही अपील है सभी उपभोक्ताओं से कि ओपन मार्केट में भी और हमारी उचित मूल्य की दुकानों में भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के भंडार उपलब्ध हैं। कोई हफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। आराम से जाएं, आराम से उचित मूल्य की दुकानों में जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें और अपने आप को और अपने परिवार को इस महामारी से बचा के रखें।